दोस्तों आप तमाम लोग जानते हैं कि आज बजट पेश किया गया, ऐतिहासिक बजट, हमेशा की तरह ऐतिहासिक बजट, पिछले साल जैसे ऐतिहासिक, उससे पहले जैसा ऐतिहासिक, और इतना ऐतिहासिक बजट पेश किया जा रहा है कि हम आपको कुछ आंकड़े गिनाने वाले, जिसे देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे हिंदुस्तान की शिक्षा को खत्म धीरे धीरे कर रही। जी हाँ, एक तरफ जिस मुल्क को अभी और तरक्की करना है, जो कि एक कहा जा सकता है कि जिस मुल्क को अभी डेवलप मुल्क बनना है, एक पूरी तरीके से डेवलप्ड मुल्क बनना है, उस मुल्क के शिक्षा के स्तर को क्या धीरे धीरे गिराने की कोशिश हो रही है? क्या वजह है कि जिस देश में हर साल शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाना चाहिए, वहाँ शिक्षा के बजट को हर एक साल धीरे धीरे कम किया जा रहा है? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। आप सरकार के लोगों के दावों पे मत जाइए, आप सरकारी आंकड़ों को देखिए, तब आपको अंदाजा होने वाला है। एक रिपोर्ट सामने आया है, दैनिक भास्कर ने इसे प्रकाशित किया भी था, और ये आप देखिए, ये शिक्षा पर किए गए खर्च, यानी कि एजुकेशन पर जो बजट का खर्च किया गया है, वो किस तरह से किया गया है, हम आपको पूरा कंपेरिजन दिखाने जा रहे हैं, आप पूरी तरीके से कंपेरिजन देख सकते हैं। सन 2004 एजुकेशन का बजट 2.32%, 2014 3.82%। ये आंकड़े तो आपको बड़े अच्छे लग रहे होंगे, है ना, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूँगा 2005 में ये 2.32% से सीधे कांग्रेस की सरकार में आप देखिए कि कितनी बढ़ोतरी की गई, लगभग जो है वो 1.24% जो है बढ़ा दिया गया। लेकिन यहाँ देखिए कि सिर्फ और सिर्फ 2015 में 0.06% आंकड़े बढ़ाए गए। लेकिन अब हम आपको दिखाना चाहते हैं जो, वो इस तरह से देखिए कि कांग्रेस ने किस तरह से 4.28 से फिर 4.75, फिर 2008 में ये 5.15% पे आए, फिर 2009 में इन्होंने 4.36% किया, 2010 में 4.5% किया, उसके बाद 2011 में ये 5.4 पे आए, 2012 में ये 4.97% पे आए, और 2013 में इन्होंने 4.77% पर खर्च किया। यानी कि जो एक पूरी तरीके से कहा जा सकता है जो हमारा बजट है ना, इसे अगर आप 360 में बांट दीजिए, यानी कि आप इसे मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा जो है वो 100% आप मान के चलिए, तो अगर ये 100% है, ये टोटल जो है वो 25-25 अगर 100% है, तो आप समझिए कि शिक्षा पे जो खर्च था वो कांग्रेस 2013 तक कितना कर रही थी, 4.7% कर रही थी। यानी कि पूरा जो भारत का सब पूरा पैसा है उसका शिक्षा पर खर्च। अब आपको हम भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों को दिखाते हैं, यानी कि औसत जो है वो 4.2% था इनका शिक्षा पर। अब इनकी सरकार आई एनडीए की, अब देखिए एजुकेशन पर खर्च इन्होंने 2014 में किया 3.82%, 2015 में 3.88%, 2016 में फिर घटा दिया, 2017 में ये फिर जो है सिर्फ और सिर्फ 0.06% इन्होंने बढ़ाया, 3.71 पर आया। देखिए वहीं आप अगेंस्ट में देखिए 2007 में 4.75% और इनके वक्त में देखिए 3.71%, फिर 2008 में 5.15%, 2018 में बीजेपी की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार ने 3.4% किया, यहाँ 2009 में 4.36%, यहाँ 2019 में 3.4%, इसके बाद देखिए यहाँ 2010 में 4.5%, यहाँ देखिए 2020 में 3%, यानी कि सीधे तौर पर 1.5%। ये 1.5% कोई 1 लाख 10 लाख 2 करोड़ 10 करोड़ नहीं है, ये अरबों खरबों में ये आंकड़े हैं, प्रतिशत है, ये पूरे देश का जो बजट है ना उसका हिस्सा है। सोचिए कितना पैसा कम किया जा रहा है एजुकेशन पर। आप देखिए आगे चलिए 2011 में 5.4%, यहाँ देखिए 2.67%, लगभग आधा कर दिया शिक्षा पे बजट, आधा बर्बाद कर दिया है देश के एजुकेशन सिस्टम को। आगे देखिए 2012 में 4.97% और यहाँ देखिए 2.64%, मतलब आधा के आसपास है ना। इधर देखिए 2013 में 4.77% और यहाँ देखिए 2023 में सीधे 2.5%। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिक्षा का जो बजट था वो धीरे 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 कम करता चले गए, और अभी औसत जो है ये 2.82% है और इनका देखिए 4.2%। तो ये हालात है शिक्षा के बजट का, आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ और तस्वीर भी दिखा सकते हैं, ये देखिए, जैसे आपको हम ये दिखाना चाहेंगे एनडीए ने यूपीए के मुकाबले रिसर्च पर कितना प्रतिशत खर्च किया, तो ये आप देखिए कि आधा कर दिया इन्होंने, कांग्रेस ने खर्च किया 0.02% और इन्होंने किया 0.01%, तो पूरा बजट जो है वो आधा। यूपीए में बेरोजगारी और
एनडीए में बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी दर देखिए, 2004 में 8.36% बेरोजगारी थी, लेकिन 5 में कांग्रेस ने संभाल लिया, 5.5% पर आ गए। उसके बाद 5 ही का चलता रहा, 5.5, 5.5, 5.4 और 5.6% इनका औसत रहा कांग्रेस। उसके बाद यूपीए की सरकार आ गई, एनडीए की सरकार में देखिए बेरोजगारी दर 5.4%। अब देखिए कांग्रेस ने कहाँ छोड़ा था, कांग्रेस ने छोड़ा था ला करके 5.42% पर। अब एनडीए ने क्या किया, 5.4, 5.4, 5.3, 5.3, 5.3, 8, 5.9, 7.3 और 8.3। अब आप देख लीजिए कि किस तरह से 6.6% बेरोजगारी दर एनडीए के वक्त में और कांग्रेस के वक्त में 5.6, लगभग 1% कहा जा सकता है जो आंकड़े हैं। आप देखिए यहाँ बेरोजगारी में मुकाबले में 1% ज़्यादा जो है वो आपको बेरोजगारी का दर दिखाई दे रहा है। तो ये हालात है, इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एनडीए ऐतिहासिक बजट पेश कर रहा है। अपनी राय कमेंट सेक्शन ज़रूर दीजिएगा।